इनके बच्चियां जा रही है छाता लेके, ये बच्चा आ रहा है साइकिल से। शिक्षा की काशी है कोटा तो। और मेरे को लगता है कि आप ये सोचते हैं कि राजेश माहेश्वरी सर का कब इंटरव्यू लूं मैं, क्यों? क्या बात है सर, क्या बात है, आपकी जो दाढ़ी और मूंछ ना सर, इसका कोई जवाब नहीं है। सर कई सारे बच्चे जो हॉस्टल वगैरह सर्च करते हैं आने के बाद में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि एक अच्छा हॉस्टल उनको सही तरीके से मिल जाए? लेकिन आईफोन है हमारा कोटा, सुबह 4 बजे से यहाँ पे गरम गरम पोहे और साथ में कचौरी भी मिलेगी। रोड नंबर 1 कोटा की लगभग जितनी भी निवान की चलती रहते हैं कि जेई और नीट की जो कोचिंग वगैरह, कोटा आने वाले भाइयों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसमें आपको काफ़ी मतलब जो मान सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग हो, हॉस्टल रिगार्डिंग हो, पीजी रिगार्डिंग हो, और भी वो सब चीज़ें जो कि कोटा में आप लोगों की कोशिश होती है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप से मिल जाए, तो काफ़ी फन और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्जॉय करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अभी काफ़ी स्पेशल ये वीडियो बनने वाला है। दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, और आप देख सकते हैं कि आ गई हमारे साथ में गाड़ी, आप देख सकते हैं गाड़ी में आपको दिख जाएंगे ये सर, आपको दिखेंगे मैं सर अनअकैडमी वाले, आप देख सकते हैं काफ़ी। सर क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया सर। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तलवंडी जा रहा हूँ सर। मुझे लेके चलेंगे? अरे बिल्कुल यार, लिफ्ट वगैरह देंगे मुझे? अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारी ओडी, आप देख सकते हैं इस ओडी के अंदर मैं चलने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने खोला गेट, और गेट में आप देख सकते हैं ये है महेश सर, जो कि हमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे, आप लोगों के डाउट वगैरह क्लियर होने वाला है। भाई यो देख सकते हैं आप, महेश सर हमारे साथ है और इनकी कार में हम जा रहे हैं पूरे कोटा की शेयर करने। सर वेलकम है आपका। थैंक यू। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, आज अर्जुन है और मैं आपका सारथी हूँ सर, ये गाड़ी में चला रहा हूँ आपके लिए, और सारथी सर का ही नहीं हूँ मैं, सारे बच्चों का हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं। भाई यो देख सकते हैं आप, ये है कोटा का वो एरिया जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहले न्यूक्लियस की बिल्डिंग वगैरह आती है, और इसी के पास में आप देख सकते हैं ये एलन की बिल्डिंग आपको दिख जाएगी, जो कि सबल बिल्डिंग है। सर एलन के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? एलन के बारे में तो सब कुछ बढ़िया ही है, पर मेरे को लगता है कि आप ये सोचते हैं कि राजेश माहेश्वरी सर का कब इंटरव्यू लूं मैं, क्यों? क्या बात है सर, क्या बात है, आपने मेरे लिए इतनी शानदार बात रखी। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले वीडियो में आपको जरूर बुलाए राजेश माहेश्वरी सर की, भाई विष्णु सर आप वीडियो बनाओ हमारा। तो भाई इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सर की बात पहुंचे एलन के डायरेक्टर सर राजेश माहेश्वरी सर तक, ताकि मैं उनका इंटरव्यू ले सकूं। सर के मुंह में मैं चाहूंगा इस टाइम पे गुड़ और शक्कर दोनों ने चाहिए, जो कि कहावत है यहाँ की। सर इस एरिया के बारे में कुछ बताएंगे आप, डिस्कशन वगैरह? हाँ, ये राजीव गांधी नगर है जो पीछे रह गया एलन का, इधर इंदिरा विहार है और इधर महावीर नगर है। जो कम बजट वाले बच्चे आते हैं बेचारे, उन लोगों को पीजी लेना होता है, तो वो डेफिनेटली इधर महावीर नगर साइड में इनको मिलता है पीजी वगैरह। सर कई सारे बच्चे जो हॉस्टल वगैरह सर्च करते हैं आने के बाद में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि एक अच्छा हॉस्टल उनको सही तरीके से मिल जाए? वैसे तो आपने सर काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं हॉस्टल्स के बारे में, लेकिन फिर भी ये रहता है कि भाई हॉस्टल्स में क्यों कैसे आप हॉस्टल फाइनल करें, तो इसके लिए ये रहता है कि आप हॉस्टल में जाके खुद देखिए कहीं रूम में सीलन तो नहीं आ रही है। हाँ, एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, तो खाना में आप उसके किचन में जाके देखिए भाई आप मसाले कौन से यूज करते हो, है ना। डेफिनेटली अच्छे ब्रांड का मसाला यूज करता होगा, डेफिनेटली खाना भी वहाँ पे बढ़िया बनता होगा। दूसरी बात, आप एक बार वहाँ पर खाकर भी देखे, और हाँ पानी के लिए आरओ वगैरह लगाए कि नहीं लगाए, है ना, वो सब चीजें देखे आप, है ना, तो आप उस हिसाब से हॉस्टल फाइनल करें। मतलब आप बुक करा दो वो नहीं, मतलब यहाँ आकर आप खुद देखकर तब जाकर फाइनल करें। सर अब बात आ जाती है जेई के लिए, नीट के लिए, कोटा सबसे पहले दिमाग में आ जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो, पेरेंट्स की बात हो, तो कोटा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है ना कि यहाँ पे 2 लाख बच्चे आते हैं, अब IIT में 2 लाख सीट तो नहीं है ना, लेकिन हर बच्चा यहाँ पे आता है तो कुछ न कुछ लेके जाता है, कुछ न कुछ सीख के जाता है। सीख के क्या जाता है, मेहनत करना यहाँ पे सीख के जाता है बच्चा, है ना। और एक होता है मतलब आपको एक 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 लाइन में अगर इसको बोलूंगा बच्चा क्या करके जाता है, तो बच्चा पूरी जिंदगी का सार सीख के जाता है यहाँ से कोटा से, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैं देखता हूँ IITian नहीं है तब भी वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ कोटा से जाने के बाद, कोटा से पढ़ के जाने के बाद इस 2 साल में वो ये सीखता है कि यार 6 घंटे कैसे पढ़ना है, लगातार सीटिंग कैसे करनी है, हार्ड वर्किंग करना, हार्ड वर्किंग सीखता है वो यहाँ पे आके, तो वो हमेशा लाइफ टाइम उसके याद आती है। जब 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 वो किसी कंपनी में ज्वाइन करेगा, पहला प्रोजेक्ट मिलेगा उसे, डेफिनेटली उसको अपने पहले प्रोजेक्ट में कोटा की याद आएगी, कोटा की चीजें उसे याद दिलाएगी, मेहनत, क्योंकि वो यहाँ से मेहनत सीखता है। तो हर बच्चा यहाँ IIT तो नहीं निकालता, नहीं निकलती हर बच्चे की, बच्चों की निकलती है IIT, देखिए हर बच्चे की फर्स्ट रैंक भी नहीं आती, लेकिन हर बच्चा यहाँ इम्पोर्टेंट है और हर बच्चा यहाँ से कुछ उनको सीख के जाता है 2 साल में। तो हम लोग ये एक सार में बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई कोटा से लाइफ
जीना सीख के जाता है वो। तो सर आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि कोटा में आने वाला बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं मेहनत करना सीखता है। मुझे लगता है मेहनत के साथ में वो कंसिस्टेंसी भी सीख जाता है, क्योंकि पढ़ने की जो लगन है वो कोटा में लेकर चला जाता है। उसकी आईआईटी क्लियर हो नहीं हो पर वो आगे जाके कुछ ना कुछ बेटर कर लेता है। सर राइट है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। तलमंडी वाली लोकेशन में हम चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तलमंडी वाला एरिया है ये सबसे पुराना एरिया है। जब यहाँ पे जो कोचिंग वगैरह डेवलप हुई थी यहाँ पे, आज भी स्टेशनरी शॉप आज भी यहीं चलती है। इस सराउंडिंग एरिया में तलवंडी सर्कल है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे जैसे वो जिंदल बुक डिपो है, आप देखेंगे पीछे वर्धमान आपका रह गया है और भी बहुत सारी बुक डिपो है यहाँ पे। सर सामने आप देखोगे, अभी टाइम हो रहा है, आप टाइम देखिए 11:52 हो रहा है अभी। बिल्कुल देखिए सामने अभी भी बोया वाला है, शर्मा बोए भंडार। तो शर्मा जी बोए वाले। तो देखिए आप एक बात देखिए, कोटा में आप कभी भी आ जाइए, पोहा वाला हमेशा आपको मिलेगा। रात को 2 बजे भी आपको मिलेगा, है ना, और दिन में 2 बजे भी मिलेगा। कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे 24 घंटे पोहा चलता है। सर मुझे लगता है कि तलमंडी जो है पोहे का, आप देख सकते हैं आप, ये पोहे वाले आपको मिलेंगे इधर ही, यहाँ पर 4-5 पोहे वाले आपको मिल जाएंगे। सुबह 4 बजे से यहाँ पे गरम गरम पोहे और साथ में कचौरी भी मिलेगी। पोहा एक तरह से यहाँ की सर लाइफ लाइन है। सर पोहे और फास्ट फूड में किसको रेफर देंगे आप? देखिए सर मेरे हिसाब से तो पोहा बेस्ट है, क्योंकि पोहा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो भाइयों ये देखिए आप, जिंदल स्टेशनरी काफी मतलब फेमस यहाँ की बुक शॉप है। कई बार मैं निकल चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये आपको है यहाँ पर तलमंडी सर की जिंदल बुक डिपो, मतलब काफी फेमस और काफी पुरानी शॉप वगैरह है। ये आपको यहाँ पर मिलेंगे यहाँ के ये एम्प्लॉय वगैरह। और ये भैया है वैभव भैया, ये जिंदल बुक डिपो के जो ओनर है वैभव भैया है। तो वैभव भैया की खासियत मैं बात बताता हूँ आपको, कोरोना टाइम पे जब बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा था तो वैभव भैया ने अवेलेबल कराया था ये। तो भैया ने तो बहुत सारे बच्चों से पैसे भी नहीं लिए थे कोविड टाइम पे, इवन कोरियर के चार्जेज पे भैया ने स्टडी मटेरियल भिजवा दिए थे। बहुत लोएस्ट कॉस्ट में भैया ने स्टडी मटेरियल यहाँ से भिजवाया था। अनअकैडमी की बिल्डिंग की तरफ हम जा रहे हैं भाई। अनअकैडमी के जो स्टोर वगैरह ओपन होने जा रहा है कोटा में, काम वगैरह यहाँ पर चल रहा है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर हो सकता है ऑफलाइन तरीके से कई तरह के इनिशिएटिव देखने को मिले। तो सर क्या बताना चाहेंगे अनअकैडमी के बारे में? अभी फिलहाल तो 30 तारीख तक एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है, 299 रुपीज में आपको 45 डेज के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो, एवरीथिंग। तो वो बात है, तो अनअकैडमी जो बच्चा कोचिंग की सोच रहा है डेफिनेटली उसको अनअकैडमी लेना चाहिए। सर एक बेसिक क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताइए। सर कोटा में बच्चा आता है ठीक है, लेकिन कोटा ही मतलब क्यों चूज करना है? क्या है ऐसा कोटा में कि उसको कोटा ही करना चाहिए? कहीं भी ऑप्शंस वगैरह होते हैं लेकिन फिर भी वो कोटा ही आता है, चाहे कोई भी कितना ही समझाए उसको, घर वाले बाहर वाले, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। जी सर। जैसे फोन जो अपने पास मोबाइल है उसकी बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं ना, मतलब तो एक होता है आईफोन। जी सर। तो भाई साहब ब्रांडेड है ना आईफोन। बिल्कुल सर। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो कोटा वही आईफोन है। और बाकी जितने भी शहर है जितने भी जगह है उस सबको, बाकी जो भी आपको नाम देना है सैमसंग नोकिया जियो नी एम आई जो भी देना वो दे लो यहाँ दादा, लेकिन आईफोन है हमारा कोटा। ओ सर आपका ये कहना है कि कोटा में आकर यदि मंजिल को पाना है और पंखों को उड़ान देनी है तो कोटा में मोस्ट वेलकम है, मतलब आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए सबसे पहला कोई माध्यम है तो वो कोटा शहर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। वो एक नई चीज भी आपको दिखा देता हूँ, यदि आप हो सकता है कोटा में पहली बार वगैरह आए या फिर 2-5 साल पहले यदि आप आए होंगे तो आपको कोटा बदला बदला सा लगेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोटा की जिस लोकेशन पे अभी हम चल रहे हैं ये देख सकते हैं आप, ये है इधर का पुलिया के ऊपर, वैसे हमें यहाँ के फ्लाई ओवर के ऊपर, और जस्ट ये देख सकते हैं रोड नंबर 1 कोटा का एरिया है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। कोटा के लगभग जितनी भी निवान की चलती है चलते हैं कि जेई और नीट की जो कोचिंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगी, चाहे वो वाइब्रेंट हो, आकाश हो, इसके अलावा समझ सकते हैं आप रिलायबल हो, मोशन की भी ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसी लोकेशन के आसपास आपको कोटा की दूसरी न्यू समझ सकते हैं आप कोचिंग वगैरह मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सुवाल का जो है ना वो भी यहाँ पे, जो कि काफी बड़े बड़े अपार्टमेंट के लिए जाना जाता है यहाँ पर, ये PVR का सिनेमा हॉल है। और इसी के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो खतरनाक वाला इलाका जहाँ पर आ गया, काफी ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे मिलेगा, कोटा का सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहीं पर मिलता है। सर राइट है बात? बिल्कुल राइट है। और देखिए ये एक नया ग्लोबल भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, पता नहीं ये क्या बनने वाला है, लेकिन यहाँ पे IL हुआ करता था। ये बहुत ही शानदार जगह यहाँ पे पार्क बनने वाला है शायद, और मल्टीज भी यहाँ पीछे बन गई है। सर मुझे लगता है शायद ऑक्सीजन ये यहाँ पर। यस यस यस। तो देख सकते हैं आप ये कि ऑक्सीजन के पास में ही यहाँ पर एक कोटा का सबसे बड़ा शानदार फेमस कंट्री इन होटल आपको मिल जाएगा, यही पर आपको बिल्डिंग वगैरह मिल जाएगी इस टाइप की। और एक और फ्लाई ओवर जो कि लेटेस्ट अभी बन के तैयार हुआ है 1-2 महीने पहले। सर राइट है बात? बिल्कुल। तो सर इसके बाद आप बताइए। देखिए बहुत ही प्यारा फ्लाईओवर बना है कोटा में, 4 चांद लग गए मतलब ये वाले फ्लाईओवर बनने के बाद। देखिए आप जैसे कंट्री होटल है, LN की बिल्डिंग हर कोने पे आपको कोटा के पे मिल जाएगी, और इधर देखिए आप रेजोरेंस है,
उधर सिटी मॉल है जहाँ पे बच्चे कभी कभी फन करने जाते हैं, स्ट्रेस दूर करने चले जाते हैं, है ना। ये रेजोनेंस है कोटा में, आईआईटी का मेरा फेवरेट इंस्टीट्यूट है भाई साहब। क्या बात है सर, ने अपने फेवरेट के बारे में आज सीक्रेट आउट कर दिया। बच्चा पढ़ने आ रहा है तो आईआईटी में मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में बताता हूँ कि रेजोनेंस जी। ये है एरिया महावीनगर फर्स्ट, सर महावीनगर फर्स्ट में चल रहे हैं। हाँ महावीनगर फर्स्ट में चल रहे हैं। जो बच्चा हॉस्टल में भी रहना चाहता है और उसका बजट भी थोड़ा कम है तो उसके लिए ये बहुत शानदार एरिया है। यहाँ पे कम बजट के आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। जैसे अभी भी हम चल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा है, ये शांति कुंज यहाँ पे लिखा हुआ है। नियर बाई एरिया में ऐसा नहीं है कि ये लो बजट है, लो बजट नहीं है। यहाँ पे ऐसा बच्चा भी पढ़ता है जिसके घर में खुद के में कार के शोरूम का मालिक का बच्चा है, तो ये थोड़ी है वो कार से कोचिंग जा रहा है या बुलेट लेके कोचिंग जा रहा है, वो बच्चा भी साइकिल से कोचिंग जा रहा है। तो ये चीज कोटा सिखाती है, लर्निंग सिखाती है, मेहनत सिखाती है। सर कोटा को एक सेंटेंस में पिरोया जाए तो क्या कहेंगे आपकी, कोटा और स्टूडेंट का रिलेशन क्या बताना चाहेंगे? मतलब ये पहले ही बोला हुआ यार कि शिक्षा की काशी है कोटा, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है यार वो तो। ये भी कोटा का स्टूडेंट एरिया है, राइट साइड में जो है वो राजीव गांधी नगर पड़ेगा जहाँ पे आपको एलन की बिल्डिंग्स वगैरह मिल जाएगी, मोशन भी मिल जाएगी आपको। लेफ्ट साइड में जो है महावीनगर फर्स्ट है। ये देखो एलन के बच्चे जा रही है छाता लेके, ये बच्चा आ रहा है साइकिल से, ये बच्चे आ रहे हैं एलन के, तो ये बहुत प्यारा एरिया है यहाँ का, है ना। और वो साफल्य बिल्डिंग है देखिए आप सामने, है ना। और ये एलन के साफल्य है। हाँ जैसे ये अम्बे बर्गर है, ये बड़ा फेमस है यहाँ पे बच्चों में, सबसे चाहिदा जगह है बच्चों की, है ना। ये स्टेशनरी शॉप्स वगैरह है यहाँ पे, ये एक टीचर्स का बार करके है, ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर बालाजी महाराज का। ये अब यहाँ से अपन घूमेंगे, ये रोड आ गया है जैसे एलन वाले। देखिए भाई यार देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है ना यार, मतलब आप देख रहे हो ना इन इंस्टीट्यूट में, एक इंस्टीट्यूट में 100 से ज्यादा आईटीएन पढ़ा रहे होते हैं। देखिए गाड़ियाँ देखिए आप, इसकी टांग लाइन से लगी हुई है, एक से एक महंगी गाड़ी। तो सर ये वही एरिया शायद जहाँ से हमने स्टार्ट वगैरह किया था। बिल्कुल, मैंने आपको पूरा राउंड घुमा दिया है। तो भाई ये महेश सर हमारे साथ है और कई तरह के डिस्कशन हमने आपको कोटा की लोकेशन भी दिखा दिया, अकेडमी रिगार्डिंग भी डिस्कस वगैरह करा है। तो सर एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा लास्ट में, आपके लिए परमिशन हो तो जी, कि आपकी जो दाढ़ी और मूंछ है सर, इसका कोई जवाब नहीं है। सर क्या यूज करते हैं आप, कैसे सर कैसे मैनेज करते हैं दाढ़ी और मूंछ को आप? ये अपने आप मैनेज हो जाती है सर। तो भाई यो ठीक है, महेश सर के साथ में आज बहुत अच्छा हमने ब्लॉग बनाया, फनी वीडियो बनाया है, हो सकता है आपने एंजॉय भी किया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें मिली होगी। तो कोटा और कोचिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उन्हें मिल सके सही गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन। थैंक यू बच्चों।